रायबरेली की सदर सीट से अदिति सिंह भाजपा प्रत्याशी हैं, जो कि पिछली बार चुनाव कांग्रेस से जीती थी। कांग्रेस को बगावती तेवर दिखाकर भाजपा का दामन थामने वाली अदिति सिंह भी चुनाव प्रचार में जुटी हैं और दावा कर रही हैं कि उनके लखनऊ पहुंचने में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं। रायबरेली सदर सीट से भाजपा ने अदिति सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो 2017 में कांग्रेस से विधायक बनी थी और अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। अदिति सिंह का दावा है कि उनका भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिल्कुल ठीक है। आप कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस में थीं, भारतीय जनता पार्टी में अभी आप शामिल हुई हैं, तो कार्यकर्ताओं के साथ जो बीजेपी के हैं, कैसे तालमेल बन पा रहा है? बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं वो मेरे परिवार से पहले से परिचित रहे हैं, उन्हीं की डिमांड थी, उन्हीं की मांग थी कि हम पार्टी में शामिल हों, और वो सब देखते हुए मैं पार्टी में शामिल हुई। पार्टी के लोगों में भी बहुत खुशी है, बहुत अच्छे से तालमेल हो गई है, क्योंकि रहते तो हम सब इसी शहर में हैं, सबसे परिचय पहले से ही है, पहले से अच्छे व्यवहारिक टर्म्स हमेशा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह का आरोप है कि कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी की जनता के साथ अन्याय किया है और यही वजह है कि कांग्रेस के मजबूत गढ़ में भी सेंध लग चुकी है। प्रियंका गांधी नारा दे रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हैं। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सिर्फ एक सांसद जो है वो रायबरेली से हैं, तो कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला तो उनको करना है ना मुझसे, मैं मुझे कहाँ मुकाबला करना है। मेरे पास तो ये सीट भगवान के आशीर्वाद से, मेरी जनता के आशीर्वाद से बहुत टाइम से है। इस बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा रायबरेली जी, तो आप जनता से सुन, आप खुद ही समझ, जनता ही से आप समझ लें, पूछ लें। मैं तो जाहिर सी बात है मैं यही बोलूंगी, पर हाँ ये मैं जरूर कहूंगी कि जितना प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस को रायबरेली और अमेठी की जनता से मिला है, शायद ही भारतवर्ष में कोई ऐसा जिला होगा या जिले होंगे जहां से इतना ज़्यादा उन्हें मिला है, खास तौर से रायबरेली से। पूरी भाजपा की लहर जब थी पिछले चुनाव में, उसके विपरीत जाके भी यहां से उनको सफलता हासिल हुई रायबरेली से, और उसके बावजूद भी वो लोग ना तो यहां कभी आते हैं, ना तो कभी आके लोगों का हालचाल लेते हैं, मीटिंग तक यहां नहीं करते हैं, दिल्ली बुला लेते हैं लोगों को, तो दिल्ली से तो अब नहीं चलेगी रायबरेली की सरकार। रायबरेली से भाजपा प्रत्याशी आदित्य सिंह का कहना है कि प्रियंका गांधी भले ही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे रही हूँ, लेकिन कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा है, वो रायबरेली में क्या लगता है कि इफेक्टिव होगा या नहीं? रायबरेली की अगर मैं आपको बात बताऊँ, मैं एक लड़की हूँ लड़ रही हूँ, और उसका क्या उन्होंने मुझे खामियाजा दिया, मेरे पति की टिकट काट दी। कल आपने देखा होगा एक बहुत बड़े नेशनल अखबार ने बहुत गंदी एक अश्लील तस्वीर पे मेरा फोटो मॉर्फ करके दैनिक भास्कर ने चलाया कांग्रेस की तरफ से, उसमें लिखा भी है कांग्रेस पेश करती है करके, तो ये उनकी मानसिकता जो है वो प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि महिलाओं को लेके वो उनका कितना रिस्पेक्ट है, जब वो एक विधायक महिला के साथ जो एक चुनिंदा है, जनता से चुनके आई हूँ, उनका इतना अपमान कर सकते हैं, तो उनकी महिलाओं के प्रति क्या सोच है, रायबरेली की महिलाओं के प्रति क्या सोच है, वो इससे अच्छी तरीके से दर्शाती है इस एग्जांपल से। कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाली अदिति सिंह को अपनी जीत का पूरा भरोसा है, हालांकि जनता उन पर कितना भरोसा करती है ये तो चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। रायबरेली से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।